Hello friends, welcome back to my another video. I hope you all are doing absolutely fine. So आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं होलोग्राम इफेक्ट के बारे में। होलोग्राम इफेक्ट हम लोग किस तरीके से प्रीमियर प्रो में क्रिएट कर सकते हैं वो हम लोग देखने वाले हैं, और सिंपल स्टेप में आपको बताऊंगा कि जिस तरीके से आप इजीली होलोग्राम इफेक्ट, एक अट्रैक्टिव होलोग्राम इफेक्ट आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी हम लोग है प्रीमियर प्रो की स्क्रीन के ऊपर। तो जैसे आप देख रहे हो कि मैं यहाँ पे एडोब प्रीमियर प्रो 2020 यूज़ कर रहा हूँ। तो आपके पास अलग वर्जन है, दूसरा वर्जन है, तो भी आप यहाँ पे होलोग्राम इफेक्ट है वो क्रिएट कर सकते हो। तो फर्स्ट चीज़ जो हम लोग को लगेगी वो है 2 क्लिप लगेगा। तो उसमें फर्स्ट क्लिप में है वो है जस्ट आपका मोमेंट। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, मैं यहाँ पर जस्ट मोमेंट कर रहा हूँ, सामने कुछ भी नहीं दिख रहा है, राइट। तो वैसे आपको मोमेंट का एक वीडियो आपको एक सिल्क शूट करना है। देन आपको एक जो सेकेंड क्लिप है वो उसमें आपका जो मोबाइल स्क्रीन है उसको आपको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो मोबाइल स्क्रीन रिकॉर्ड करने के लिए बेस्ट जो भी मतलब मैं जो एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ वो है स्क्रीन रिकॉर्डर। तो आपको गूगल प्ले स्टोर पे इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो अभी हम लोग फर्स्ट जो स्टेप्स है वो हम लोग ये करेंगे। जो स्क्रीन रिकॉर्डर है वो मैं अपने वीडियो के ऊपर लेके आता हूँ इस तरीके से। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल तो हम लोग ये वीडियो है और जो अपना स्क्रीन रिकॉर्डर है अभी मैच नहीं कर रहे। हम लोग फर्स्ट जो चीज़ करेंगे वो है फिलहाल इस पे और इफेक्ट हम लोग ऐड करेंगे। तो फर्स्ट जो इफेक्ट है वो अपने को क्रॉप का ऐड करना है। तो जैसे आपको जाना है यहाँ पे इफेक्ट के अंदर, यहाँ पे डालना है क्रॉप, और क्रॉप को ड्रैग करके यहाँ पे। ठीक है, जैसे आप स्क्रीन रिकॉर्ड बनाओगे तो आपको यहाँ का ऐसा पोजिशन है वो आपको चेंज करना है। तो मैं आपको यहाँ पर नीचे लेके आना है, इसको आपको जितना चाहिए उसके अकॉर्डिंगली आपको क्रॉप करना है। तो आपसे यहाँ पे टॉप से थोड़ा कम कर देता हूँ और थोड़ा बॉटम से कम कर देता हूँ। परफेक्ट। ठीक है, तो ये अपना एक फर्स्ट इफेक्ट हो गया। सेकंड इफेक्ट जो है आपको फिर से इफेक्ट में जाना है, दैन RGB कलर डालना है। RGB कलर जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे कलर बैलेंस RGB, तो उसके ऊपर आपको ड्रैग करना है। तो इसमें जाना है इफेक्ट कंट्रोल में और RGB कलर में। तो आप यहाँ पे जो थोड़ा बैलेंस है आपको ग्रीन का है, ग्रीन आपको करना है थोड़ा कम, 33 में कर देता हूँ उसको, ग्रीन को कर देता हूँ 33। रेड को भी पूरा ही 0, ग्रीन को थोड़ा 33 कर देता हूँ, और ब्लू को भी थोड़ा कम कर देता हूँ 40 तक। ठीक है, और यहाँ पे 33। तो ये यहाँ पे हो गया रेड 0, ग्रीन 33 एंड ब्लू हम लोगों ने कर दिया 40। तो नेक्स्ट जो हम लोग इफेक्ट है वो है वेव रैप, राइट। तो आपको यहाँ मिल जाएगा, तो आपको ये भी इसके ऊपर ड्रैग करने के बाद इसमें थोड़ा आपको थोड़ा और चेंजेस करना है। थोड़ा आपको जो होलोग्राम इफेक्ट है वो थोड़ा अट्रैक्टिव दिखने के लिए। तो फर्स्ट चीज़ है वो मैं यहाँ पे करता हूँ, जो वेव टाइप है उसको मैं करता हूँ स्क्वायर के, यहाँ पे स्क्वायर कर देता हूँ। दैन यहाँ पे वेव हाइट है वो मैं यहाँ पे करता हूँ, इसको मैं 3। वेव विड्थ है उसको मैं करता हूँ 5। एंड डायरेक्शन पे भी हम लोग कुछ नहीं करते। वेव स्पीड को मैं करता हूँ 1। ठीक है, वो एज इट इज रहने दो। यहाँ पे आप देख रहे हो थोड़ा ये हो गया। तो मैं थोड़ा वेव हाइट जो है मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ, 5 कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा भी यहाँ पे देख रहे हो कैसे विड्थ जो है, जैसे मैं विड्थ में करूँगा तो आप देख रहे हो कैसे इफेक्ट जो है वेव्स का आएगा। तो जिस तरह से आपको चाहिए, तो मैं यहाँ पे नॉर्मली प्रेफर करूँगा 5, क्या भाई 5, 6, यस 5 इज ओके। तो ये एक हो गया अपना इफेक्ट। अभी जो दूसरा है वो है कॉर्नर पिन। तो इस इफेक्ट के लिए थोड़ा आपको टाइम लगेगा, क्योंकि वो थोड़ा सेट करने के लिए। कॉर्नर पिन ये हमने यहाँ पे डाल दिया। तो कॉर्नर पिन एक है, उसका रिप्लेसमेंट भी, और एक है बेसिक 3D। तो उसके बदले आप बेसिक 3D भी आप ऑप्शन जो है इफेक्टिव है यूज़ कर सकते हो। तो लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कॉर्नर पिन, क्योंकि अपने को बराबर से आपको यहाँ पे देख रहे हो। जैसे मैंने कॉर्नर पिन पे यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे चारों कॉर्नर पे यहाँ पे वो जो मूवमेंट के लिए आपको पिन आ गया। तो आपको अकॉर्डिंग आपको करना है, पहले सेट कर। इस थोड़ा प्रोसेस के लिए लगेगा, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि आपको जिस तरह से परफेक्ट चाहिए उस तरीके से आप परफेक्ट आपका जो होलोग्राम इफेक्ट है जैसे आ जाएगा तो आपका काम हो जाएगा। थोड़ा टाइम लेगा लेकिन आउटपुट एकदम बढ़िया आएगा। तो अभी ये थोड़ा मुझे लग रहा है परफेक्ट लग रहा है। देन नेक्स्ट इफेक्ट है वो है अल्फा ग्लो। तो यहाँ पे डाल देता हूँ मैं। देन इसमें मैं कर देता हूँ ग्लो है वो 95 कर देता हूँ। देन ब्राइटनेस है वो थोड़ा बड़ा कि 255 ये राइट है। देन स्मार्ट चूज कलर, तो मैं इसको ड्रॉप डाउन से और जो एंड कलर है वो भी यहाँ का ही चूज़ करता हूँ, नहीं तो यहाँ से मैं कलर चूज़ कर देता हूँ। यहाँ से आप कलर भी चूज़ कर सकते हो, पिक कलर। तो यहाँ पे मैं थोड़ा ये वाला चूज़ करता हूँ थोड़ा और अट्रैक्टिव दिखने के लिए। और एंड कलर में थोड़ा यहाँ पे डार्क हम लोग जाते थोड़ा। इस तरीके से थोड़ा अभी देख रहे हो थोड़ा लुक थोड़ा अलग आ गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जो अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग है थोड़ा ज़्यादा ही डार्क दिख रहा है, प्रॉपर नहीं दिख रहा है। तो थोड़ा हम लोग जो ग्रीन कलर है तो इसका हम लोग थोड़ा इंक्रीज़ कर देते हैं, 83 के आसपास कर देते, 83 कर देता हूँ मैं। और जो ब्लू है वो भी 100 के आसपास कर देता हूँ। यस अभी थोड़ा बेटर लग रहा है। यस थोड़ा ब्राइट हो गया। तो यहाँ तक अपना डन हो गया है। तो अभी हम लोग करते हैं वीडियो को और अपना जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है उसको मर्ज। तो जैसे अपना मूवमेंट हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली स्क्रीन रिकॉर्डिंग को हम लोग मैच कर दें। तो यहाँ पे मैच करने के लिए थोड़ा प्रॉपरली यस। तो अभी यहाँ पे सिंक्रोनाइज तो अपना प्रॉपर हो गया। तो हम लोग देख लेते एक बार प्ले करके। यस सिंक्रोनाइज हो गया। अभी हम लोग थोड़ा इसको और इफेक्ट देते। तो स्टार्टिंग में थोड़ा ऐसा लगना चाहिए कि मोबाइल से ये जो इफेक्ट है वो मोबाइल से आ रहा है, पॉपअप हो रहा है। तो इसको ले तो हम लोग थोड़ा यहाँ पे उसको मैं ये कर देता हूँ, स्केल और उसका पोजीशन थोड़ा चेंज कर देते हैं। देन यहाँ से पीछे आके इसका थोड़ा इसको थोड़ा ड्रैग करेंगे नीचे। तो ऐसा लगना चाहिए कि मोबाइल से ही ये पॉपअप हो रहा है उसका। यस अभी थोड़ा अच्छा दिख रहा है स्टार्टिंग का जो फेज़ है। यस ठीक है। अभी अपना ये जो लास्ट पार्ट है यहाँ पे स्वाइप जहाँ पे मैं कर रहा हूँ तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ से की फ्रेम दे देता हूँ। यहाँ पे डन हो गया, तो यहाँ से की फ्रेम देना पड़ेगा मुझे। यहाँ से मूवमेंट जहाँ से हो रहा है, यस, यहाँ से फिर से मैं यहाँ पे की फ्रेम देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक, तो धीरे धीरे ये जैसे मेरा हाथ मूव हो रहा है तो फ्रेम से बाहर चला जाएगा। जो स्क्रीन अपना होलोग्राम का इफेक्ट जो आया, स्क्रीन आया वो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और जो हॉलोग्राम इफेक्ट है वो भी आपको थोड़ा अट्रैक्टिव लगा होगा। तो इस तरीके से आप अपना थोड़ा क्रिएटिव माइंड लगा के और बेहतरीन बढ़िया सा हॉलोग्राम इफेक्ट बना सकते हो। तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ करना, फ्रेंड्स के साथ करना, बिल्कुल फ्री है। और सब्सक्राइब भी करते जाना, वो भी बिल्कुल फ्री है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन, लिव योर लाइफ एज यू लाइक। बाय बाय।